नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समबहुभुज की। समबहुभुज से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम्स में आते हैं आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी यूपी टेट के एग्जाम से समबहुभुज से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। आज हम इसी वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से फॉर्मूले के बेस पर आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और अपनी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप समबहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समबहुभुज सबसे पहले जान लेते हैं समबहुभुज होता क्या है। समबहुभुज से मतलब है ऐसी आकृति जिसमें सम का मतलब समान, बहु माने बहुत सारी, भुज का मतलब भुजाएं। एक ऐसी आकृति जिसमें सारी की सारी भुजाएं समान हो, वो आकृति हमारी समबहुभुज कहलाती है। इस तरह से मान लीजिए आपकी ये एक आकृति हो गई समबहुभुज, तो इसके जो अंदर के कोण हैं इनको कहते हैं अंतःकोण, और अगर इसके बाहर के कोण एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण बनेंगे इनको कहेंगे बहिष्कोण या ब्राह्य कोण, इनको कह देंगे ब्राह्य कोण। तो समबहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग निकालने का एक फॉर्मूला है। कैसे करेंगे? n भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतर कोणों का योग, यानी कि जिसके जितने भी अंतर कोण हैं उनके योग का फॉर्मूला है n-2 into 180 degree। अगर आपको एक समबहुभुज दे दिया और उसकी भुजाएं दे दी, मान लिया पंचभुज दे दिया तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, षटभुज दे दिया तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस तरह से n भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतः कोण जितने भी अंतः कोण है, इसके 5 है 6 है, उनका टोटल निकालने का फॉर्मूला है n-2 into 180। और एक फॉर्मूला तो आप ये याद करेंगे, दूसरा अगर n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अगर हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो कि एक अंतःकोण कितने का होगा, तो वही होगा n-2 into 180 upon n, यानी कि जितनी भुजाएं उससे आपके टोटल को आप n से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है, मान लीजिए वो बहिष्कोण पूछ ले कि प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा, तो n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला होगा 360 upon n, यानी उसकी जितनी भुजाएं अगर 360 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका ब्राह्य जो कोण बनता है बहिष्कोण, उसका मान आपका आ जाएगा। ये आपके तीन फॉर्मूले हैं जिनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए तो आपको पता नहीं चल पा रहा किसमें एन माइनस टू था, क्या था, ये 180 आपको याद रखना है, यहां पर 180 था। अब आप इसे त्रिभुज से रिलेटेड करके चलिए, त्रिभुज में तीन साइड होती है, तीन में से दो गए एक बच गया, और एक एक 180 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा आपका 180 का सम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब लेते हैं हम प्रश्न, किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अक्सर आपके यूपी टेट सी टेट या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसी सम अष्टभुज, कितनी भुजाएं हैं अष्ट, यानी n की वैल्यू आपकी 8 है, के अंतःकोणों का योग निकालना है। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आपको पता है n-2 into 180 degree, ये अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें अंतःकोण सब पाई में दे रखे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, जो 180 होता है अगर आपको पाई में निकालना हो, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी कि आप इसकी जगह पाई लिख सकते हैं। अगर आपको पाई का आंसर दे रखा है तो 180 की जगह क्या लिख देंगे,
पाई यानी कि n माइनस टू इंटू पाई रेडियन, रेडियन में आएगा पाई का मान, पाई रेडियन जरूरत नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 8, 8 लिख दीजिए, 8 माइनस टू इंटू पाई यानी कि आ गया आपका 6 पाई। अब देखिए 6 पाई अगर कोई आंसर है तो आप इसे कर देंगे, 6 पाई इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम बड़े आसान तरीके से अगर हमारे फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखिए इस पहले मैं आपको फॉर्मूले बेस्ड बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पंचभुज की पांचों भुजाएं बराबर है यानी एन की वैल्यू आपकी 5 है, इसके प्रत्येक अंत्यकोण का मान निकालना है। मैंने बताया था प्रत्येक अंत्यकोण का मान, प्रत्येक अंत्यकोण का मान यानी कि जो उनका सम होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, इसे आप n से डिवाइड कर देंगे यानी जितनी भुजाएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक अंत्यकोण आ जाएगा यानी n की वैल्यू आपकी 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5 यानी 3 इंटू 180 बटे 5, 5 से कट जाएगा, 5 किया 15 बच गया 3, 30, 5 30 और 36 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 18 हासिल हुए, 3 से 9 10 108 डिग्री प्रत्येक अंत्यकोण का इसका मान आ जाएगा। अब देखिए इसमें आंसर में आपको 108 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो बड़े आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि किसी समबहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 1440 है, उसके सभी अंत्यकोणों का योग कितना है 1440, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अंत्यकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंत्यकोणों का योग दे रखा है 1440 डिग्री। हमें अगर अंत्यकोणों के योग का फॉर्मूला याद है तो हम इसका एन की वैल्यू परिणाम से निकाल सकते हैं, क्या होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बराबर 1440, ये 180 यहां पर गुणा में है उधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस टू बराबर 1440 अपॉन 180, इससे कट जाएगा 18 से 140 कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 18 8 144 यानी कि n माइनस टू बराबर 8 आ गया, n माइनस टू बराबर 8 और 2 कहां चला जाएगा उधर प्लस में, n बराबर 8 जमा 2 n बराबर आ गया आपका 10, n की वैल्यू आपकी 10 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी भुजाएं आ गई, हमने इस पे निशान लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का अंत्यकोण, अंत्यकोण जो है बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज क्षेत्र को कितनी भुजाएं, ये आपको निकालना है। अंत्यकोण का फॉर्मूला पता है कि प्रत्येक अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन, ये तो अंत्यकोण होगा और का अंत्यकोण बहिष्कोण से 132 और बहिष्कोण क्या है हमारा, बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360 बटे एन, दोनों में अंतर है कितना 132 यानी कि ये अंत्यकोण जो है बहिष्कोण से 132 अधिक है यानी कि इससे इसमें घटा दें तो आंसर क्या आ जाएगा 132 डिग्री। दोबारा देख लीजिए, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का अंत्यकोण, अंत्यकोण का फॉर्मूला आपका ये होता है आपने रख दिया, बहिष्कोण का फॉर्मूला ये होता है 360 बटे और अंत्यकोण बहिष्कोण से 132 अधिक है यानी कि ये इसमें से अगर से घटा दें तो 132 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, n हमने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 180 n माइनस 360 माइनस 360 बराबर 132, 180 की पहले n में गुणा करें 180 n आ गया, 180 की 2 में किए 360 आ गया, माइनस 360 बराबर 132। अब यो n कहां पहुंच जाएगा उधर गुणा में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 180 n माइनस 720 बराबर 132 n। अब n n को हम एक तरफ रखेंगे
132 अंकों को इधर ले आएंगे और 720 को उधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा 180 एन माइनस 132 एन बराबर ही उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 720। अब 180 में से 132 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 48 एन बराबर 720 और एन बराबर 720 बटे 48। 48 से आप 720 को भाग कर देंगे, दो से भाग कर देते हैं, यह आ गया आपका 24, ये हो गया आपका 360, फिर 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 30 डिग्री आ गया और इससे कटके के ना गया n, n आ गया आपका 15। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, देखिए 15 का आंसर मिल रहा हो, ये हमारा 15 आंसर हो गया। ये देखिए इस तरह से हम अगर हमारे फॉर्मूले याद है, तीन फॉर्मूले हैं, उनके आधार पर हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का एक अंतःकोण किसी समषट्भुज के अंतःकोण से का 9/8 होना है, कोई समबाहु क्षेत्र का अंतःकोण, यानी समबाहु क्षेत्र हमें पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, समबाहु क्षेत्र का अंतःकोण जो है अंतःकोण बराबर किसके हैं, समषट्भुज के अंतःकोण का 9/8, यानी समषट्भुज का अंतःकोण गुणा 9/8, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, कोई समबाहु क्षेत्र का अंतःकोण जो है समषट्भुज के अंतःकोण का 9/8 गुना है, तो बहुभुज में हमें भुजाएं बतानी है, इसके अंतःकोण का फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने बताया था n-2 into 180 upon n, ये लगा दिया बराबर षट्भुज का, यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे 6 6-2 into 180 बटे 6 into 9/8। अब देखिए कैसे करेंगे, 180 इधर भी है 180 इधर भी है, इसको हम काट देते हैं, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन n इक्वल टू 4/6 × 9/8, 6 में से जो गए 4 बच गया, अब देखिए कटता है क्या, 4 × 4 = 8, ये हो गया 3 × 6 = 9, यानी आ गया n माइनस 2 अपॉन n बराबर 3/4, ये आपका आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 4 की n में की 4n - 8 = 3n, यहां पर आ गया, अब 3n को हम इधर ले आएंगे और 8 को उधर ले जाएंगे, 3n हमने इधर किया और 8 हमने इधर किया, क्या हो जाएगा 4n - 3n और ये 8 बचा के प्लस का हो जाएगा, यानी n = 8, यानी कि दूसरा जो संभव है वो उसकी भुजाएं आपकी 8 है। अब देखिए आपका आंसर 8 आ रहा है, इसमें इस पे हम निशान लगा देंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको यदि किसी पंचभुज यानी n की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, पंचभुज है तो 5 है, क्षेत्र के कोण a डिग्री, एक कोण तो आपका a है, दूसरा a प्लस 20 डिग्री, तीसरा आपका a प्लस 40 डिग्री, चौथा आपका a प्लस 60 डिग्री और पांचवा आपका a प्लस 80 डिग्री, पांच कोण है ये है, तो सबसे छोटे कोण का मान निकालना है। अब इन सारे कोणों को हम जोड़ लेते हैं, कैसे करते हैं, इनके बीच में प्लस का निशान लगाया, ए ए ए ए ए कितने हो गए 5 ए प्लस 20 और 40 60 और 60 120 और 80 200, 5 ए प्लस 200 डिग्री का टोटल आ गया, और हमें पता है अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोणों का योग
का योग का फॉर्मूला होता है एल माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये आपका टोटल होता है, यानी कि पंचभुज के अंतर्गुण का योग कितना होगा, पर एंट्री वाले 5 है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 3 इंटू 180 18 * 54 540 डिग्री। ये 540 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि टोटल को जोड़ दिए हमने, 5a प्लस 200 बराबर 540। ये आ गया आपका, 200 उधर चला जाएगा, 5a बराबर 540 नफी 200 यानी कि 340, 5a बराबर 340 और a बराबर 340 बटे 5, 5 × 30 5 × 40 68 डिग्री आ गया। a की वैल्यू आपकी 68 डिग्री आ गई। पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण क्या था हमारा, a, ये था, तो a का मान पूछ सकता है, तो वो है आपका 68 डिग्री, इस पे आप निशान लगा देंगे। और अगर कहता हूं सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा a प्लस 80, 68 पे 80 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न है उसको हम इन तीन फॉर्मूलों के आधार पर कर सकते हैं। केवल तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं, तीन में भी आप अगर आप दो भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अंतः कोणों का योग क्या फॉर्मूला होगा, अंतः कोणों का योग होगा एन माइनस टू इंटू 180। अब जब आपने योग निकाल लिया तो संख्याओं से अगर भाग कर दें तो प्रत्येक अंतः कोण का आ जाएगा, यानी एन माइनस टू इंटू 180 आपने निकाल लिया, अगर उसे एन से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण। और अगर बाह्य कोण निकालना हो तो 360 को एन से डिवाइड कर देंगे। ये तो हुए आपके फॉर्मूले के आधार पे। लेकिन बहुत सी बार हमारे पे क्वेश्चन आ जाता है किस तरह का, जैसे पिछली बार आपका यूपी टेट में आया था कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताओ। मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो तभी के तभी पंचभुज बनाइए जल्दी से। हमने पंचभुज बनाया और फिर कैसे करेंगे, इसको त्रिभुज में डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमने इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, तीन त्रिभुज बन गए, इसका योग 180, इसका योग 180, इसका योग 180 कितना हो गया आपका 540। एकदम से आप इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको षटभुज बताया, आपने षटभुज बनाया जल्दी से, इस त्रिभुज में डिवाइड कर देंगे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और चार त्रिभुज, चार त्रिभुज हो गए, सबका योग कितना होगा 180, 180, 180, 180 कितना हो जाएगा 720 डिग्री। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको त्रिभुज में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपको सप्तभुज आ गया तो उसे त्रिभुज में डिवाइड कर दीजिए। और आप ये ट्रिक है, इससे आप इसके अंतः कोणों का योग निकाल लेंगे, और जब अंतः कोणों का योग निकल जाएगा, मान लीजिए इसकी प्रत्येक अंतः कोण पूछ ले तो 6 बुझाएं कि 6 से भाग कर दीजिए, 6 × 6 = 12 120 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण हो गया। तो ये आपकी ट्रिक हुई। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर आएगा, आप इसको ध्यान से देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसे दबा दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद।